हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे चावले की सब्जी। उसके लिए पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, हम अब उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद उसमें हम राई डालेंगे और 2 से 3 लाल सूखी मिर्ची डाल देंगे। अब ये सब अच्छे से, मिर्ची का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कांदा। कांदा डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा कांदा को ब्राउन कलर आने तक सॉफ्ट कर लेंगे, भून लेंगे। मैंने इधर 2 कांदे ली हूँ। दोनों कांदे को लंबे पीस में काट दी हूँ। उसको अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन के कटी हुई कलियाँ। उसमें लहसुन को और अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जब लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। इधर मैंने 2 टमाटर ली हूँ। दोनों टमाटर को थोड़े बड़े साइज में कट की हूँ। टमाटर डाल देंगे। टमाटर उस पे डालेंगे नमक, आपके टेस्ट मुताबिक नमक डाल देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम लोग 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसको फिर से एक बार चला लेंगे। उसके बाद उसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुकी है, 3 मिनट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं टमाटर पूरी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चावली। चावली को डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हम 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे। 1/2 कटोरी पानी डाल के इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। उसको धीमी मीडियम आंच पे उसको पका देंगे। और ये अभी उसको मीडियम आंच में 5 मिनट के लिए हम पका देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला मैं तभी डालना भूल गए थे जब हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं उसी टाइम में आप डाल देना, मैं भूल गई थी, इसके लिए इसमें अभी डाल दिए। अब 5 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी बन के तैयार है। अभी आप इसको गरम गरम चावल या गरम रोटियाँ के साथ खाइए, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार बनाइए। आपको अगर अच्छा लगा ये रेसिपी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।